हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज है मकर संक्रांति, तो आज हम बहुत सारी हमारी तैयारियां चल रही है। अभी तो सबने नहा लिया है और पूजा यहाँ पे झाड़ू लगा रही है। और हम अब मैं आपको आगे को दिखाते जाऊंगी कि हम क्या क्या कर रहे हैं आज। और चलो आगे देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, हम चलते हैं। अब हम आज हरी सब्जी की पकौड़ी भी बनाएंगे, बहुत ही कुरकुरी टेस्टी होती हैं। तो चलिए हम अपनी क्यारी में चलते हैं और बनाएंगे हम। कैसे अटका है इसका अंदर? तो गाइस, मैंने हरी सब्जी तोड़ ली है, तो अब चलते हैं घर। मिलो ले। तो गाइस, हमने अभी दूध देके मैं अब घर को जा रही हूँ। देखिए, तो अब हम चलते हैं घर को। तो देखिए, उन्होंने भैंस के लिए कुछ दिया है, इसमें पता नहीं क्या है, गोभी के डंठल वगैरह। तो चलो, मम्मी ने यहाँ पे पोछा लगा दिया है और पूजी ने झाड़ू लगा दिया है और यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है। अभी हमने कुछ भी तैयारी नहीं कर रखी है, पर अब थोड़ा थोड़ा करके हम काम करते हैं। तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। निकल निकल फट जा। मम्मी, क्या हुआ? अरे भगवान, ये तो सब हो जाता है। क्या वो लोग तो जो लगा गाइस देखिए, रहे हमने ये हैं? बिछाया हुआ था, तो यहाँ पे सीलन भी हो रही है बहुत सारी। देखिए गाइस, वहाँ पूरा सफेद पड़ी है, पता नहीं क्यों। ये तो सब फूट गया है। नालदा ने भी सर से काम करके नीचे आ गए। तो गाइस चलिए, हम अब मैं दूध दे आती हूँ, उसके बाद हम सारा काम करेंगे। चलिए गाइस। पूजा, ओ पूजा, कुछ बोलना चाहती हो आज? तो क्या बोला जाए, अभी बस झाड़ू लगा के हम बस थोड़ा ताजा पानी भरेंगे गर्मियों में। उसके बाद पूरी पकौड़ी वगैरह जो भी बनेगा आपको दिखाते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय गाइस। तो गाइस चलिए, हम चलते हैं। अब दूध देने जा रही हूँ मैं, और फिर थोड़ी देर में आपको मैं दिखाऊंगी कि हमारे घर में क्या क्या बन रहा है, क्या क्या हो रहा है। देखिए, यहाँ पे सारी सब्जियां हो रही है हमारी। चाचा, बधाई हो मकर संक्रांति तेरे की भाई। ये आपको। किससे गौरी को बात करा रही है? वीडियो बना रही हूँ मैं। अच्छा, और काम धाम किया था ना? हाँ वीडियो बनाओ। चलो गाइस, हम चलते हैं। अब दूध देने जा रही हूँ मैं। देखिए, मौसम कितना भयानक हो रखा है, बिल्कुल कोहरा लगा है पूरा, कुछ दिख भी नहीं रहा है आर पार। और ये देखिए, व्यू चेक कीजिए, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। और यहाँ से पूरा कोहरे से भी पूरा ढका हुआ है यहाँ को। और ठंड में मुझे जाना पड़ रहा है दूध देने, क्योंकि बाद में हम फिर भूल जाएंगे। तो देखिए गाइस, मुझे वो घर में जाना है दूध देने। तो और हम अभी चलते हैं दूध देने। और यहाँ से कैसा, देखो बिल्कुल भी कुछ दिख नहीं रहा है, नीचे को पूरा कोहरे से ढका हुआ है। देखिए गाइस, क्या लेके आना है बताओ जल्दी, क्या लेके आना है? अच्छा, तो लेके आओ। ठीक है, चलो पूरी बनानी है, पूरी बनाऊंगी, घूमते चलूंगी। अच्छा, इतना काम आएगा तो जल्दी आएगा। चप्पल तो पहनने दो मुझे। गाइस देखिए, फिर से मम्मी ने काम बता दिया, तो हम चलते हैं लेने, फटाफट लेके आते हैं। और उसके बाद फिर हम पूरी और पकोड़ी बड़े बनाएंगे। तो गाइस चलते हैं हम, बहुत सारे बंदर भी आए हैं, मुझे डर भी लग रहा है, जाना तो पड़ेगा। तो आराम आराम से चलते हैं हम।
गाइस जल्दी जल्दी हम चलते हैं, देखिए बंदर बैठे आगे सब, मैं कैसे जाऊं, मुझे काटने आ रहा है। देखिए बंदर कैसे आ रहा है। चलो हम चलते हैं फटाफट, बंदर क्योंकि बंदर भी बहुत आए हुए हैं। देखिए आजकल सरसों कितनी अच्छी हुई है, और बंदरों ने ये भी तोड़ दी है पूरी। देखिए मेरी दीदी की शादी से वो तेल हमारा यही रह गया था गेलन, तो अब आज मैं लेके जा रही हूँ, हमारी पूरियाँ बड़े सब उसी में बनेंगे। तो चलो तो गाइस ये देखिए यहाँ पर रखा हुआ है डब्बा तेल का, तो अब हमने तेल का डब्बा ले लिया है, तो चलते हैं ऊपर के घर फटाफट। तो गाइस मैं यहाँ आई हूँ, तो भैंस के लिए मैं पानी भी रख देती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत ठंडा हो रहा है, तो भैंस को भी थोड़ा, हमारा भैंस बीमार हो गया था कल परसों, तो उसके लिए गर्म पानी करना पड़ता है, तो मैं आग जला लेती हूँ यहीं पर हमारे सब कुछ। तो गाइस हम घर पहुँच गए हैं, अब हम बनाएंगे खाना, बनाएंगे खाना। पूजी तेल ला गई, मैं तैयारी कर दी, बस मैंने पीस के रख दिया है दाल आटा गूंद रही हूं पूरी के लिए। अच्छा तो इसमें मिलाया क्यों नहीं कुछ? मिलाया है अजवाइन। अच्छा दिख नहीं रहा है, वो ज्यादा है। ठीक है लो तेल। ओके थैंक यू। कहां पे पीसा आपने? हां देखिए गाइस गुड़ आ चुका है, बच्चों को देने के लिए गुड़, अरे पुओ के लिए, क्या कहते हैं, बड़ के लिए, बड़ और चलो फिर मम्मी अंदर ला गएंगे, ठीक है उससे ठंडा हो गया, मम्मी ठंडा हो गया, हाँ। तो आज क्या कहना चाहोगे अपने अपने सब्सक्राइबरों से, क्या कहना चाहोगे आप? सब्सक्राइबरों से क्या कहती हूँ, चैनल को लाइक करो, हार्दिक शुभकामनाएं मकर संक्रांति की आप सबको, और हमारे अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मूली ठीक है, एक मूली लाऊं? अच्छा और चार आलू, तो गाइस देखिए हमारा खाना अब बन चुका है सब, और हम अब खाने जा रहे हैं, ये है गोभी की सब्जी, वो है गायछा अचार पूरी, और क्या कहते हैं बड़ा और पकौड़ी, तो अब हम खाने जा रहे हैं, और तो और यहाँ पे चाय भी बनी हुई है, अब हम आपको मिलेंगे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। तो हे गाइस हम फिर से आ गए छत में, और धूप आ गई है थोड़ा, अभी धूप आई है, और अब हम घुघते बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमने खाना वाना खा लिया है, इसके बाद अब हम घुघते बना रहे हैं, तो अब हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाते हैं, और अभी तो हम आटा गूंद रहे हैं, तो आपको मैं दिखाती हूँ कि हम कैसे कर रहे हैं काम। तो देखिए देखिए गाइस कितने सारे इसकी ताकत लग रही पूजी की, मुझे बोल लिया कि क्या बोला पूजी तुमने, हाँ ये तो आपने सही बोला, क्योंकि ये थोड़ा टाइट होता है, और मतलब इसमें गुड़ होता है तो चिपक रहा है नीचे, तो अब पूजी की बहुत मेहनत लगने वाली है, अभी तक वो खुश हो रही थी मैं आटा गूंदूंगी, पर अब थोड़ा मतलब खुश तो है, पर थोड़ा ताकत लगने वाली है अब, और जो पूजी पे ही है ना पूजी। देखिए गाइस हमारे घुघते बनने शुरू हो चुके हैं, मम्मी ने एक देखिए कैसे बनाते हैं घुघते, मम्मी इधर को दिखाओ क्या बना रहे हो आप, पहले ऐसे बनाते हैं घुघते कैसे करते हैं पूजी बताओ, पहले इसको ऐसे लिया, फिर ऐसे लिया, इसको ऐसे रोल किया, लंबे लंबे रोल के यार, फिर
लेकिन इनको ऐसे कर दे, मेरे हाथ बहुत चिपके, ऐसे कर देती है ये देखो कितने अच्छे दुपट्टे बन गए। पूजी ने तो उनकी मुंडी चिपका दी। अब पूजी मेरा तो खुलने लग गया। मम्मी तुमको नहीं आ रहा है, पूजी ने अच्छे बनाए हैं। चलो फिर गाइस हम अभी बनाते हैं क्योंकि अभी बंदर नहीं आए हैं, और अगर थोड़ी देर में बंदर आ गए तो हम बनाते जाएंगे और बंदर खाते जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। हाँ आपको थोड़ा देर में मिलते हैं जब हमारे कुत्ते बन जाएंगे।